श्रीमती कैकेशान प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय कि आपने मुझे भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2017 में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं सरकार को, माननीय मंत्री जी का को धन्यवाद देती हूँ कि इस विधेयक के माध्यम से 20 आईएम के राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है। हर कोई आईएम से अपने रूप से इस देश के आगे बढ़ने के लिए देश के सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। युवा यही चाहते हैं कि मेरे हौसले को, मेरे विचारों को, मेरी तरक्की की उड़ान के पंख ना कटें। माननीय मंत्री जी ने ये बिल लाकर उन युवाओं को उड़ान के हौसला दिया है। इस विधेयक से 20 आईएम के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है। इस विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ भी, आईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेगी। इन संस्था के प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। संस्था के चेयरमैन और निदेशक का चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों को अधिक से अधिक भागीदारी इस विषय की विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह विधेयक स्वतंत्र एजेंसी से संस्थानों से प्रदर्शन की अधिक समीक्षा और उसके परिणाम पब्लिक डोमेन में जाने की व्यवस्था है। संस्था की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी और सीएजी उनके खातों की ऑडिट करेगा। एक सलाहकार निकाय के रूप में आईएम के समन्वय फोरम का भी प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी जो खास विशेषता ये है कि इस विधेयक में ये कहा गया कि बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय कार्यक्रम में आर्थिक रोजगार, महिलाओं को अधिकार जो कार्यक्रम है उससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात उन्होंने कही है। उस पर प्रयास चल रहा है, उस पर काम भी चल रहा है हम लोग का। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि बोर्ड में जो महिलाएं होंगी वो कितनी प्रतिशत महिलाओं को आप उसमें जगह देंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जब उत्तर दें तो उसमें इस बात का ये करें। दूसरा, भारतीय प्रबंधन संस्थान प्रबंधन में सबसे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले देश के प्रमुख संस्थान है, जो प्रबंधन में शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में विश्व स्तरीय बेंचमार्क है। आईएम की पहचान विश्व स्तरीय प्रबंधन संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में रहे हैं और इन्हें देश की ख्याति दिलाई है। सभी आईएम सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत अलग अलग स्वत निकाय हैं। देश के 20 प्रबंधन संस्थान हैं, लेकिन अभी तक ये किसी केंद्र के तहत संचालित नहीं है। वह आईएम डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है। ये बिल के पारित होने के बाद इन संस्थानों की डिग्री देने का अधिकार मिल जाएगा। बिहार में वर्ष 2015 में मात्र एक आईएम बोधगया में चालू किया गया है। बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली रही है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर भी है। यहाँ पर आईएम की स्थापना का एक अपना महत्व है। प्रथम वर्ष में यहाँ 30 सीटें दी गईं, द्वितीय वर्ष में 60 सीटें दी गईं। यही ये संस्थान 118 एकड़ की भूमि पर बना हुआ काफ़ी अच्छा है। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ भी अहमदाबाद और कोलकाता की तरह सीट का निर्धारण किया जाए। अभी उसमें फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर सिर्फ 3 विषयों के पाठ यानी चल रहा है। सभी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई वहाँ पर हो। और ये भी कहना चाहूँगी, जब सरकार पैसा खर्च करती है, संसाधन दे रही है, तो सीटों को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, फैकल्टी की भी कमी को दूर करने की ज़रूरत है। वहाँ के युवाओं को हौसले की उड़ान तभी मिल पाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात ये कहना चाहूँगी कि आपने जो आपका जो बिल है इसमें जो विशेषताएँ, उद्देश्य और कारणों का कथन किया गया है, इसके 5वें पॉइंट के जो कंडिका में बताया गया है कि निदेशक जो संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। मेरा अनुभव ये है कि व्यावसायिक कंपनियों में सीईओ हुआ करते हैं, लेकिन इस विधेयक में कहा गया है कि मुख्य नेतृत्व प्रदान करने वाले अधिकारी को सीईओ कहा जाएगा। इससे ये एहसास होता है कि शैक्षणिक संस्थान कोई व्यापारिक संस्थान बनाने जा रहा है क्या। इसके निदेशक को या निदेश इसके इसको निदेशक या कुलपति ही कहा जाए तो ये अच्छा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से इस बिल का समर्थन करती हूँ, अपनी बातों को यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद श्री के सोमा प्रसाद, योर टाइम लिमिट इज ओनली 4 मिनट्स। बहुत बढ़िया।